So we have finally checked in. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is. So we have finally done with our immigration and everything and हम लोग पूरा अपना प्रोसीजर करके बैठे हैं. Now you all might be guessing कि हम कहाँ जा रहे हैं. वैसे तो थंबनेल से पता चल गया सारे इंडियंस जहाँ जाते हैं वहीं जा रहे हैं. Yeah boy. We are going Thailand. और थाईलैंड भी हम बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रहे. मम्मी के साथ. मम्मी के साथ जा रहे हैं. मम्मी के साथ. ठीक है. नो दोस्त था. ओनली मम्मी. ओनली मम्मी. 420 और हमने मंगाया है पिज्जा. ये रहा हमारा डोसा. मम्मी का डोसा लेकिन ऑब्वियसली हम खाएंगे उसमें से. सुबह डोसा मम्मी हेल्दी खा रही है और हम अनहेल्दी खा रहे हैं. पिज्जा. हम पिज्जा खाएंगे. पेपरोनी काफी चीप क्वालिटी का है यहाँ पे. इधर ही है. बुराई करें बाहर ज्यादा अच्छा लगता है. It's been a year already when we went to Dubai. हम काफी जल्दी आ गए तो अब सोने का टाइम आ चुका है. होपफुली 10 मिनट में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी और फिर हम जाएंगे. फ्लाइट आ गया. ये हमारी फ्लाइट है यहाँ पे. फाइनली रीच्ड बैंकॉक एंड बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया बिकॉज सुबह सुबह हम 3 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए एंड वहाँ से फ्लाइट हमारी थी 8:40 को. तो हम लोग ने पूरा टाइम एयरपोर्ट पे निकाला एंड देन हमारी फ्लाइट भी बहुत सो लॉन्ग. इट वाज अराउंड 4 घंटे की फ्लाइट थी ऑलमोस्ट. इट वाज 4 hours 20 minutes. हाँ तो एक तो हम सोए भी थे तो चलो थोड़ा सो के निकल भी गया टाइम. एंड देन वहाँ से निकलने के बाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद वी हैव टू गो टू पटाया बिकॉज हमारी फ्लाइट थी बैंकॉक तक की. बट पहले हम पटाया जाएंगे एंड देन हम बैंकॉक जाएंगे. तो बैंक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो बैंकॉक का मेन एयरपोर्ट जहाँ पे हम उतरे वहां से पटाया जहाँ हमारा होटल है. इट कॉस्टेड अस अराउंड 2000 baht विच इज इन इंडियन रुपीज 4500. थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि हम लोग को लगा कि 2500 में हो जाएगा बट ठीक है अभी. और हम बार्गेन नहीं कर पाए. एक तो ये दुबई नहीं है. दुबई जब दुबई गए थे हम लोग तो वहाँ पे हमको उनकी भाषा समझ रही थी क्योंकि मैं बोलती हाउ मच लेकिन वो मुझे हिंदी में रिप्लाई करती है और यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता ना. किसी को इंग्लिश नहीं आता. किसी को हिंदी भी नहीं आता. हिंदी तो चलो ठीक है पर इंग्लिश भी नहीं आता किसी को. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर अंकल बड़े स्वीट है. हाँ ये अंकल बड़े स्वीट है. एक तो मम्मी को नींद आ रहा था क्योंकि सोए नहीं ना रात भर तो अंकल ने सीट पूरा सा लेटने वाला कर दिया है. अच्छा है. थाईलैंड इज वेरी गुड. अंकल हमको पूछ रहे थे कि हमको 7-Eleven में रुकना है क्या कुछ खाने. हाँ उनको लगा कि हमको 7-Eleven के बारे में पता ही नहीं. नहीं उनको लगा कि हमको भूख लगी. हम लोग खा रहे थे ना तो क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं. मेरे सर दर्द हो रहा है. अभी पटाया जाके देखते थोड़ा फ्रेश व्रेश होके कुछ. बट अभी मेन चीज है कि हमारे होटल का चेक इन हमारा. हाँ और अभी हमारा लेट हो गया. अभी देखते हैं क्या होगा. करंटली 4:38 और आई डोंट नो कि वो हमको चेक इन देंगे. मुझे लगता है देंगे क्योंकि हमने पैसा पे किया है तो उनको क्या फर्क पड़ता है. तो ये है हमारा एंट्री गेट. यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आता है बाथरूम. बाथरूम में आदित्य गई है. यहाँ पे है मिरर. फिर आता है ये कबर्ड जिसमें हमको चप्पल मिला. फिर इधर है
एक छोटा बेड सिंगल, एक डबल बेड, फिर हम आपको व्यू दिखाएंगे। व्यू के लिए रेडी हैं आप? अरे बाप रे, रुको बंद करने दो, एसी चालू है। टाड़ा, कितना प्यारा व्यू है, देखो दूर दूर तक आपको सिर्फ समंदर दिखेगा और हरियाली ही हरियाली दिखेगी, कितना प्यारा। ये देखो, अब हमने सोचा तो नहीं था कि हमें ये होटल लेना था, बिकॉज हम लोग को पता नहीं था कि किसके रिव्यूज हमने पढ़े नहीं थे, लेकिन जैसे हमने बुक किया और अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हो कि कितनी कमाल की चीज है। देखो देखो इसे, हमने वो होटल भी कर लेना चाहिए। ये देखो इधर, हमने पहले ये होटल देखा था बट फिर हमने वो नहीं किया क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ बजट था, बट आई थिंक दिस ऑल्सो वर्क्स। व्हाट डू यू से, इट्स वेरी गुड ना। ये देखो, 7-Eleven में आके हमारा ख्वाहिश पूरा हो गया गाइस। और दिन क्या होने वाला है पता नहीं, थाईलैंड में देखते हैं। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर किया, आके बता दें। हमने मोची खरीदा है, मोची। द फर्स्ट थिंग इज ये मैंगो, इट वाज 90 बात एंड दिस इज वर्थ इट बिकॉज इट्स सो बिग। तो सारे स्ट्रॉ से क्यों पी रही है? थिक है, ऐसा थिक शेक, बट इट इज गुड। तो क्यों सारे स्ट्रॉ से पी रही है गाइस? पैसा जितना है खाना भी उतना ही है। देखो प्राइस, और ये है श्रिंप सैलेड, सैलेड इज स्पेगेटी, कुछ अच्छी। बाप रे, ये क्या है, इसका क्या करूँ मैं? अरे कुछ खाने लायक है क्या? बड़ी बात क्या, श्रिंप जो पास्ता मंगाया था, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड एंड वर्थ द प्राइस, बट पास्ता ओके हो गया, आई लाइक इट, मतलब ऑलवेज अच्छा होगा। फ्राइज, श्रिम्प, मम्मी, स्नेहा, सो दिस इज मशरूम चीज पिज्जा, थिन क्रस्ट है। रोड्स तो काफी खाली है गाइस, ये हमारा होटल है और हम रहते हैं एकदम ऊपर है, टॉप फ्लोर, एकदम टॉप फ्लोर पे। गाइस दिस इज डे 1 इन बैंकॉक एंड मुझे ऑलरेडी घर जाना है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत गंदा है। खाना गंदा नहीं, खाना जी, हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे लेकिन उसका वाइब बहुत अच्छा था, ठीक है, देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बुरा है, लेकिन उसका लेकिन हमारे टेस्ट बड्स वैसे नहीं, उसका प्राइस अच्छा था, बस प्राइस और मैंगो शेक अच्छा था मुझे तो। और इसने एक चीज खिलाया हम लोगों को, क्या नाम था उसका? मोची, मोची। आप सोच नहीं सकते, वो मोची बहुत, वो मोची वो कैंटलॉप मोची था, लेकिन मुझे लगा अच्छा था क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग खाते, बट मैंने जब वो खाया मैंने एक्टिंग किया कि मुझे अच्छा लगा था कि स्नेहा टेस्ट करे, वो बहुत गंदा था। अभी हमारे पास और एक चीज रखा है, हम लोगों ने सोचा था चिकन रोल लेते, अभी वो है चिकन रैप है, और सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँ सुशी, तो मैं अभी कुछ नहीं, मैंने सुशी है, उसमें एग सुशी है, श्रिम्प सुशी, क्रैब सुशी। ये मोची वाला है क्या? नहीं नहीं, मोची नहीं, ये तो हमने राइस राइस के खाया था, उसका रिव्यू हम बाद में करेंगे। एग रैप, स्नेहा तो सच्ची खाने वाली है, मैं सोच रही हूँ कि इसको टेस्ट तो करे जी। सॉरी मैं खाने को ची बोल रही हूँ, बट आई कांट, सॉरी गाइस, उस खाने को डस्टबिन में जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट वी आर नॉट एक्टिंग ग्रेटफुल,
ये गलत है, बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल, आई एम सो सॉरी। मत खाओ।